हरे कृष्णा। अगर हम किसी व्यक्ति को पूछे कि मंदिर का अर्थ क्या है तो वो बताएगा, ओ इट इज़ वेरी सिंपल, जहाँ हमें भगवान के दर्शन होते हैं उसे मंदिर कहते हैं। तो ये गलत नहीं है, परंतु पर्याप्त भी नहीं है। ऐसे कैसे? आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य तौर पर मंदिर में 5 वस्तुओं का होना अत्यंत आवश्यक है। पहला, जैसा हमने देखा कि एक मंदिर में भगवान के सुंदर विग्रह श्रृंगार के दर्शन प्राप्त होते हैं। एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को सुंदर वस्त्र, फूलों की मालाएं, आभूषण, पगड़ी या मुकुट आदि सुंदर वस्तुओं से सजाया जाता है, जिसको देखकर हमारे मन को एक दिव्य आनंद प्राप्त होता है। दूसरा है कृष्ण नाम। वहाँ पर आपको भगवान के दिव्य नामों का आश्रय मिलता है, कीर्तन चलता है, वहाँ पर भक्त लोग भगवान के नाम का जप करते हैं। हाँ, आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर मंगला आरती, दर्शन आरती, श्रृंगार आरती, तुलसी आरती, संध्या आरती में भी कृष्ण का महिमा गान होता है। तीसरा है कृष्ण शिक्षा, कृष्ण कथा। एक अधिकृत मंदिर में आपको भगवान कृष्ण के उपदेश, उनकी कथा श्रवण करने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण के उपदेश हमें प्राप्त होते हैं श्रीमद् भगवद् गीता से, और उनके भक्तों के बीच की लीलाओं को श्रवण करने को हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम से। चौथा है कृष्ण भक्त संघ। एक अधिकृत मंदिर हमें ये अवसर प्रदान करता है कि किस तरह से हम भगवान के शुद्ध भक्तों का, गुरुजनों का संग कर सकें। भगवान के भक्त उनसे भी ज़्यादा अधिक दयालु होते हैं। वे हमें प्रैक्टिकल शिक्षाएं देते हैं कि किस तरह से हम हमारे पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर सके, उनकी सेवा कर सके। इनफैक्ट वे हमें सेवा भी प्रदान करते हैं ताकि हम धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध कर सके और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। और पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कृष्ण प्रसाद। एक मंदिर में कृष्ण प्रसाद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण प्रसाद के माध्यम से सभी भक्तों में कृष्ण की कृपा वितरित होती है, और कृष्ण प्रसाद एक ऐसा अनोखा उपहार है जो कि कृष्ण से अभिन्न है, और उसके माध्यम से स्वयं कृष्ण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे सभी अंगों को, मन को, बुद्धि को शुद्ध करते हैं ताकि हम आध्यात्मिक विषयों को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने को मिलता है। तो हमें किसी भी मंदिर में ये देखना है कि हमें क्या वहाँ पे सिर्फ विग्रह के दर्शन प्राप्त होते हैं या हमें कुछ और भी। ऑफ कोर्स कृष्ण का केवल दर्शन मात्र हमें शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है, परंतु जब हमें मंदिर में दर्शन के साथ साथ कृष्ण की शिक्षा, उनके नाम, उनके भक्तों का संग और कृष्ण प्रसाद प्राप्त होता है तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ सकते हैं और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने में सहायता प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।